रात में अभिख्या की हुई अचानक तबीयत खराब, और अचानक तबीयत बिल्कुल अच्छे से सोई थी, बहुत अच्छे से सोई थी, और पता नहीं क्यों अचानक आ गया उसको फीवर। अभी तो रात में तो मतलब कुछ नहीं है, तो बगल के मेडिकल से जाके पैरासीटामोल ले ली है एक, तो उसमें से भी आधे में से आधा टुकड़ा दे दिया है। अब रात में थोड़ा आराम पड़ जाएगा, फिर जाएंगे सुबह दिखाने के लिए, क्योंकि रात में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। और देखते हैं, सुबह है संडे तो क्या होता है, चलिए सुबह बताती हूँ मैं। ले जा रहे हैं उसको डॉक्टर के पास, बाकी दिवाली का सारा काम फैला रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं, पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर बाद में करेंगे। जा रहे हैं अपन डॉक्टर का, अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आपके जहाँ स्कूल है ना, उस साइड डॉक्टर को लेने गए। पता है आपको कौन से डॉक्टर जी पे जा रहे हैं अपन? यादव डॉक्टर जी है वो, जिसके अपन जा रहे हैं। इस बार तो देखिए अभिख्या का वेट मतलब घट गया है, इसका वेट है ना डाउन हो गया है। पता नहीं इसको बार बार इसकी तबीयत खराब हो जाती है इस वजह से। तो अभी डॉक्टर साहब मतलब आ रहे हैं, क्या है वो कई जगह बैठते हैं, तो हम वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा इसका वेट ही जब तक कर लेते हैं मेजर, फिर तो वो अपने अकॉर्डिंग करवाएंगे ही। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अंकल जी, डॉक्टर साहब आ रहे हैं अभी, खाना वाना खा रहे हैं कुछ। खाने से क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं पता आपको? तो किसको पता है? कौन लगा रहा है? मैं डॉक्टर ही रहती हूँ। अभी डॉक्टर होटल के कहाँ गए? आ रहे हैं डॉक्टर अंकल जी, आ रहे हैं। कहाँ गए? अभी वेट करते हैं अपन उनका, ठीक है? फिर वो आ जाएंगे, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बता देना उनको। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको बता जरा, है ना? क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? क्या प्रॉब्लम होती है बताना चाहिए। और अचानक से नुशु की बहुत तबीयत खराब हो जाती है बार बार, है ना? बार बार फीवर आ जाता है मेरे बच्चे को। क्यों आ जाता है आपको बार बार फीवर नुशु? मैंने आपको डिनाई किया था फ्रिज का नहीं हीट करते, बट आप फ्रिज का कुछ भी एप्पल खा लेते हो ना, इसीलिए तो जाता है। आप क्यों हीट करते हो फ्रिज का एप्पल? ये ना ऑल। तो देखिए ये डॉक्टर साहब का मतलब क्वार्टर है, और यहाँ पे घर में ही दिखाया है क्योंकि ज़्यादा इसकी तबीयत खराब थी रात से। अब हम लोग जा रहे हैं घर, मेडिकल से लेंगे दवाई, फिर जाएंगे घर, आराम पड़ जाएगा। संडे है तो कोई डॉक्टर मतलब इतनी जल्दी नहीं बैठते हैं। अभिख्या को जस्ट अभी दिखाकर आए हैं और अभी बज रहे हैं 1:30। मतलब डॉक्टर साहब है ना बैठे, मतलब आज क्या है, एक तो संडे है तो इस वजह से क्या क्लिनिक भी मतलब एक टाइम ही ओपन होंगे, जैसे शाम के टाइम बैठेंगे। लेकिन जहाँ हमने दिखाया, आज दूसरे डॉक्टर पे दिखाया जो कि यादव हैं, और वो मतलब हमारे दर के ही हैं, ग्वालियर के। तो ऐसे किसी ने बताया था कि उन पे दिखा लो, अच्छे से चेक करते हैं, और वो है ना गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बैठते हैं। और इनका जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो उनका क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। 3 BHK थे, मतलब अच्छे लग रहे थे, लग ही नहीं रहे थे क्वार्टर है। मैं तो सोच रही थी कि इनका फ्लैट व्लैट है, यहाँ पर रहते हैं। और तो उन्होंने देखा था, फिर बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीजनेबल फीवर है। हो सकता है इसको ना, क्या है कि कल मैं मतलब धो रही थी कंबल, तो ये भी आके उसमें मतलब जंप जंप करने लगी थी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद इस वजह से इसको मतलब फीवर आ गया, क्योंकि मौसम भी बहुत ठंडा होने लगा है, मौसम भी चेंज हो गया है इस वजह से। तो बोल रही सीजनेबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3 दिन की दवाई दे रहे हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर एक बार जांच करवा लेना अगर प्रॉब्लम आती है तो। और बाकी पेट में दर्द बोलती है इसको, जब भी फीवर आता है तो पेट में दर्द बोलती है। तो मैंने बताया उनको, तो बोल रहे थे कि पेट इसका एकदम सॉफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि बच्चों को एसिडिटी हो जाती है, फीवर आता है तो एसिडिटी हो जाती है, तो उन्होंने उसकी दी है सिरप और मल्टीविटामिन दिया है इसको। बाकी कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तो इसको फीवर 107 टेम्परेचर है, और अभी मेडिकल था क्लोज, मेडिकल पे गए थे तो हम लोग तो मतलब घर आ गए हैं मैं और ये, और ये गए हुए हैं मतलब दवाइयाँ लेने के लिए। अब रात भर से सोई नहीं है, तो अभी तो इसको आ रहा है नशा। तो गाइस सब बोलते हैं कि ना इसको नज़र लग जाती है, इस वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं ये नज़र भी क्या है क्या नहीं, लग जाती है सच बात है, लेकिन नज़र डाल देती हूँ जैसे मैं,
उसके बाद भी तो नहीं फीवर निकलता है ना, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है, मतलब कोई भी कंडीशन हो। तो आज मैं सोच रही थी, हाँ बेटू नहीं इंजेक्शन नहीं लगाया, उन्होंने खाना खाया था इंजेक्शन, नहीं लगाया मेरे बच्चे इंजेक्शन थोड़ी ना लगाया आपको, आपको उन्होंने किससे चेक किया था, स्टेथोस्कोप से चेक किया था, थर्मामीटर नहीं लगाया, बट उन्होंने टेम्परेचर चेक किया था ना, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वाली से चेक किया था उन्होंने टेम्परेचर आपका, थर्मामीटर से नहीं किया था आज उन, वो थर्मामीटर से नहीं करते ना, फिर थर्मामीटर गंदा हो जाता है, माउथ में डालेंगे कोई तो ऐसे डर्टी हो जाता है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक वाली से चेक कर लेते हैं, है ना। अच्छा हाँ, मैंने देखा था अरे तो गाइस आज मैं सोच रही थी कि आज मैं सोच रही थी कि संडे है तो मैं भी मतलब सोच रही थी इसका पेंट वगैरह करने की, और इनके भी मतलब रेस्ट है, नाइट में जाना है ड्यूटी, बट ये है कि अभी इसकी तबीयत खराब है तो कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब मेरा आज खाना भी नहीं बना है, सिर्फ दाल चावल बना के रख दी है मैंने, और ऐसी पड़ा है, कोई साफ सफाई भी नहीं की है, और मैं मतलब इस वाली अलमारी का मेक ओवर करने वाली थी, ये मैंने पाइप रख लिए थे काट के, तो इस वाली अलमारी का मैं करने वाली थी मेक ओवर, अब मैं करूँगी नेक्स्ट टाइम, मतलब देखते हैं कल करूँगी, क्योंकि दिवाली की भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, आज है कितनी डेट है आज, आज है 17, तो मुश्किल है आज तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो बस आज का मेरा ये है छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कीजिएगा किस टाइप के वीडियो आप लोग मतलब देखना पसंद करते हैं, जिससे क्या है मुझे भी एक आइडिया मिल जाता है, और फिर आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा देखने में, तो चलिए रखते हैं, बाकी इसकी करती हूँ मैं अब केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मैं बोल दिया, कैसे बोलूं, कैसे बोलूं, लाउड बोलूं, तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, सी यू लेटर।